हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज इस हम देखने वाले राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो गाइस। सो गाइस, यहां पे स्टेप 1 है हाउ टू ओपन टर्मिनल। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कैसे हमें टर्मिनल को ओपन करना है। तो उसके लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट टर्मिनल। हमें यहां प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट ओपन टर्मिनल। एंड ये टर्मिनल मेरा यहां ओपन हो चुका है। नाउ स्टेप 2 आएगा, चेक योर करंट लोकेशन। सबसे पहले हमारा करंट लोकेशन चेक करना है। सो मैं टाइप करूंगा पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी एक कमांड है जिसके थ्रू हम हमारा करंट लोकेशन चेक कर सकते हैं। सो मैं टाइप कर रहा हूँ पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो ये राइट नाउ आई होम उबंटू। नाउ स्टेप 3 जो हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है वो है टू चेंज अवर डायरेक्टरी। अब हमें चेंज करना है डायरेक्टरी को। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रेस करेंगे ls जो है लिस्टिंग कमांड। सो यहाँ आपको सारी की सारी जो भी डायरेक्टरीज शो जाएंगे, आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर्स दिख जाएंगे। नाउ मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ डेस्कटॉप। सो अब मुझे स्विच होना है डेस्कटॉप की तरफ। तो मैं क्या प्रेस करूंगा, मैं टाइप करूंगा cd स्पेस DESK और आप यहाँ पे टैप प्रेस करोगे तो ये डेस्कटॉप खुद ही राइट डाउन कर देगा। जैसे आप एंटर हिट करोगे ऑटोमेटिकली आप डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी में स्विच हो जाओगे। नाउ हमें यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। जो हमारा स्टेप 4 है वो क्या है, टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो उसके लिए टाइप करना है आपको mkdir टू मेक अ डायरेक्टरी। हम टाइप करेंगे mkdir क्लास 11th एंड एंटर। सो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। नाउ हम वापस यहाँ पे टाइप करेंगे ls तो आपको यहाँ दिख जाएगा, देखो क्लास 11 जो हमने एक नया फोल्डर भी क्रिएट किया था वो यहाँ पर अवेलेबल है, क्लास 11। नाउ अब हमें वापस अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है। हमें अब क्लास 11 वाली डायरेक्टरी मतलब उस फोल्डर के अंदर जाना है। सो उसके लिए हम वापस टाइप करेंगे cd स्पेस क्लास 11th एंड यहाँ पे एंटर। और नाउ आप क्लास 11 वाले फोल्डर में इंसर्ट हो चुके हो। नाउ हमें क्रिएट करनी है एक ब्लैंक फाइल। हमारा स्टेप नंबर 6 होगा क्रिएट अ ब्लैंक फाइल। टाइप करूंगा touch टच देन आ जाएगा scripty स्क्रिप्ट 5.sh। नाउ अगेन यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, ओके नाउ मैं यहाँ से मिनिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लास नाम का फोल्डर मैं डबल टैप डबल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट 5.sh मैं यहाँ पे अगेन डबल क्लिक कर रहा हूँ, ब्लैंक फाइल है। नाउ सबसे पहले मैं कमेंट क्रिएट करूंगा। सो कमेंट और कमेंट में लिख दूंगा टू फाइंड rectangle रेक्ट्राइंगल टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्ट्राइंगल PRIMETER पेरीमीटर टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्ट्राइंगल एंड यहाँ पे आ जाएगा एंटर। नाउ सबसे पहले स्टैटिकली क्रिएट करते हैं। टाइप कर रहा हूँ स्टैटिक static। सो स्टैटिक में सबसे पहले हम टाइप करेंगे len len इज इक्वल टू 10 एंड विद इज इक्वल टू 20। सो मेरे दो वेरिएबल है len और विद। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ओके सर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे PRI पेरीमीटर के लिए। PRI नाम का पेरी नाम का वेरिएबल ले रहे हैं इज इक्वल टू। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का सिंबल ऐड करेंगे एंड हम टाइप करेंगे EXPR। देन हम यहाँ पे डबल कोट्स ऐड कर देंगे एंड हम यहाँ लिखेंगे डॉलर len len इनटू 2 प्लस डॉलर wid विद इनटू 2। फाइनली हम यहाँ पर इसे एंड करेंगे बाय यूजिंग पाइप सिंबल। पाइप सिंबल कम इधर स्ट्रेट लाइन को हम पाइप सिंबल कहते हैं उबंटू में। देन हम यहाँ पर अगेन डिफाइन करेंगे बेसिक कैलकुलेटर को, जिसके लिए आपके यूज करनी है बी एंड सी टाइप करना है। फॉर बेसिक कैलकुलेटर दो कैरेक्टर यूज करना है आपको बी एंड सी। देन मैं यहाँ पे वापस जो मेरा अपोस्ट्रोफी सिंबल है उसे ऐड कर दूंगा एंटर। अब हमें एक इको स्टेटमेंट टाइप करेंगे इको डबल कोट्स दी PRIMETER पेरीमीटर ऑफ rectangle रेक्ट्रैंगल इज एंड यहाँ पर आ जाएगा डॉलर PERI। सेव कर रहा हूँ भाई प्रेसिंग कंट्रोल एस। नाउ चलते हैं टर्मिनल में, ओके सो मैं टाइप कर रहा हूँ स्क्रिप्ट 5.sh एंड एंटर। सो आगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्ट्रैंगल इज 60। सो मेरे पास दो वैल्यू थी और जब मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्ट्रैंगल मेरे पास वैल्यू आएगी 60। नाउ इसी प्रोग्राम को डायनामिकली देख लेते हैं। अगेन मैं सिंगल लाइन कमेंट कर रहा हूँ डायनामिक। यहाँ पर आ जाएगा CLEAR क्लियर len len। सो नाउ यहाँ टाइप करेंगे हम इको हाइफन एन डबल कोट्स ENTR एंटर दी LENGTH लेंथ ऑफ RECTANGLE रेक्ट्रैंगल। देन यहाँ आएगा अगेन इको बैकस्लैश एन डबल कोट्स ENTR एंटर दी WIDTH विथ ऑफ RECTANGLE रेक्ट्रैंगल। नाउ यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने हमें तो RED रीड देन आ जाएगा यहाँ पर A और यहाँ चौथा आप लिखो तो LEN LEN। यहाँ नीचे आ जाएगा RED रीड, यहाँ जाएगा WID विद। नाउ हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। सो आई को वेरिएबल चाहिए। सो मैं वापस टाइप कर रहा हूँ PRI पेरी
इज इक्वल टू एपोस्ट्रोफी ई एस पी आर एक्सप्रेशन डबल कोट्स के अंदर आएगा डॉलर एल ई एन लेन इंटू टू प्लस डॉलर डब्ल्यू आई डी विद इंटू टू यहाँ पे आएगा पाइप सिंबल देन बेसिक कैलकुलेटर एंड अपन एपोस्ट्रोफी को एंड कर देंगे. नाउ वापस आएगा ई को यहाँ ध्यान रखना है आपको यहाँ पे आपको इतनी स्पेस नहीं देनी है. इसका कलर ऑटोमेटिकली जो भी आपके वेरिएबल है उनका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए. अगर आपने स्पेसिंग प्रॉपर नहीं की मतलब आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस एड कर दिया तो ये कलर चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स ये वेरिएबल डिफाइन ही नहीं होगा और आपको आगे आउटपुट नहीं मिलेगा. सो आपको ध्यान रखना है आपको स्पेसिंग प्रॉपर रखनी है. दी पी आर आई एम ई टी ए पेरीमीटर ऑफ आर ई सी टी एन जी रेक्टेंगल इज डॉलर पी आर आई एंड यहाँ पे ये एंटर का एंड छोटा कर देते हैं. ओके इसे सेव करते हैं. अगेन टर्मिनल चलते हैं एंड रन करते हैं इस प्रोग्राम को. सो एंटर दी लेंथ आई एम इंसर्टिंग 6 4. सो ओके जस्ट अ मिनट अगेन यहाँ पर स्पेस नहीं आएगी. सेव करते हैं अगेन यहाँ रन करते हैं 6 and 4. सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20. सो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन उबंटू. आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक वन स्पॉट. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.